दोस्तों, कल आपके घर में अगर मेहमान आ जाए और आपके पास सोयाबीन आलू के सिवा कुछ ना हो घर में, तो भी आप सोयाबीन आलू की सब्जी को एक रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल का टेस्टी और चटपटा कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे घर में मीडियम साइज की कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, उससे मेजरमेंट कीजिए। इस कटोरी के 2 कटोरियाँ हमने ली है सोयाबीन चंक्स की, इसे हमने धो लिया है। यहाँ पर 4 कप पानी रख दिया है उबालने के लिए, या फिर इतना पानी लीजिए कि जिसमें हमारे सोयाबीन पूरी तरह उसमें डूब जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपने सोयाबीन डाल देंगे और नीचे गैस को बंद कर देंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 बड़े आलू लिए हुए हैं, इन्हें छील दिया है, इन्हें पानी में रखा हुआ था ताकि ये काले ना हो। अब इसे इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे, मतलब क्यूब्स में काट लेंगे और इन्हें पानी से धो लेंगे। 1 से 2 बार पानी से धोएंगे ताकि जो आलू में जितनी भी गंदगी है, मिट्टी है, वो सारी निकल जाए। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अपने सोयाबीन नगेट्स मतलब चंक्स के पास। इन्हें पानी में से निकाल देंगे, 15 मिनट हो चुके हैं, ये अभी भी थोड़े से गर्म है। इनके ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे, इन्हें धो लेंगे और इन्हें निचोड़ कर अलग रख लेंगे इस तरीके से, और ये गंदा पानी फेंक देंगे। अब आलू भी तैयार, न्यूट्री भी तैयार, देर किस बात की। चलिए बढ़ते हैं पकाने की ओर। ले लेते हैं प्रेशर कुकर, डाल देंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल। यहाँ हमने सरसों के तेल का यूज किया है, आप चाहे तो कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए, उसमें धुआं आने लगे, डाल देंगे हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को कुछ सेकंड्स तक फूटने देंगे, क्रैकल होने देंगे धीमी आंच पर। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये 2 प्याज हैं। प्याज को हम लोग सौते कर लेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन या फिर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, और फिर आंच को धीमी करके डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लगभग 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भुनने के बाद इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को हम लोग तब तक सौते करेंगे मीडियम आंच पर जब तक इनका रंग हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश कलर का ना हो जाए और ये थोड़े से नरम भी हो जाएंगे। इसी बीच डाल देंगे हम इसमें 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर, 3-4 लौंग को पीस कर पाउडर कर लिया है, नमक स्वाद अनुसार और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। मिलाते हुए आलुओं को सौते करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आलुओं को लगभग 5 मिनट से सौते कर रहे हैं, इनका रंग भी हल्का सा चेंज हो गया है और इनका कच्चापन भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो गैस को कम करके डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच बड़ी काली इलायची का पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। सभी मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे 30 से 40 सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम डाल देंगे ये सोयाबीन के नगेट्स इसके अंदर, इन्हें भी हम इस मसाले से अच्छी तरह कोट करते हुए भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे सौते करेंगे, नहीं तो ये सब कुछ नीचे चिपक जाएगा। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद जब ये पूरी तरह कोट हो जाए, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें 1 कप टमाटो प्योरे। अब आप गैस को इस वक्त मीडियम करके इसे पका सकते हैं, मगर अभी भी बीच बीच में लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक इस टमाटर का रंग थोड़ा चेंज ना हो जाए। 2 से 4 मिनट बाद आप यहां देख सकते हैं टमाटो प्योरे जो हमने डाली थी पक गई है, गायब हो गई है, पूरी तरह घुल मिल गई है सोयाबीन आलू के साथ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 2 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितनी गाढ़ी या पतली आपको ग्रेवी चाहिए। इतना भी ज्यादा मत डालिएगा कि प्रेशर देते हुए पानी उफन कर बाहर आ जाए। ढक्कन बंद करने से पहले डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, और इसे अब हम थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद ढक्कन बंद करके प्रेशर देंगे 4 सीटी आने तक या फिर 4 मिनट तक। जब प्रेशर पूरी तरह उतर जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद हम इसमें ढक्कन खोलेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा सोयाबीन आलू। देखिए हमारा सोयाबीन कितना परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी हो गया है।
ये सोयाबीन आलू की सब्जी आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और चटपटी भी बनी है खाने में। अगर आपको ये सोयाबीन आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको पता चले हमारी हर एक आने वाली वीडियोस के बारे में। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं नई नई रेसिपी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।